Friends, how are you? I hope that you all have been taking care about your health and studying hard for your examination. Today, in this very short video, I am going to tell you about 10 very, very important figures of speech. Okay? So, इस छोटे से वीडियो में से पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट देन वॉच दिस वीडियो. अच्छा लगे तो एक लाइक करें और बहुत अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए. आइए सीधे आपको 10 इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में बताते हैं. नंबर 1, लाइफ इज अ ड्रीम. जिंदगी एक ख्वाब है. यहाँ पर एक ट्विस्ट यह है, अगर इसमें आपने लाइक जोड़ देंगे तो ये सिमली हो जाएगा. जिंदगी ख्वाब की तरह है, जिंदगी ख्वाब के मानिंद है. लेकिन अगर डायरेक्ट है लाइफ इज अ ड्रीम तो आपको पता है सिमली में लाइक और एज लगाते हैं, लेकिन मेटाफर डायरेक्ट सिमली है तो यहाँ पर हो जाएगा मेटाफर या रूपक अलंकार. नंबर 2, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो. ये बहुत ही मशहूर लाइन है जॉन कीट्स की और इसमें है मेटाफर जहाँ पर नायक नायिका के को देखकर दीवाना हो जाता है और वो उसके बाद जब वो चली जाती है तो बदहवास घूमता है उसका चेहरा, कुमुदनी के फूल बन जाता है पीला जर्द. नेक्स्ट नंबर 3, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट. ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है. यहाँ भी अगर हम लाइक लगा देंगे तो ये सिमली हो जाएगा, लेकिन चूंकि लाइक यहाँ नहीं लगा है इसलिए मेटाफर है. मेरा आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है हम्बल, एग्जाम में कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम रट के जाते हैं. द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, वहाँ लाइक लिखा होता है तो वो सिमली होता है और हम वहाँ पर मेटाफर लिखाते हैं. तो इनको जरूर ध्यान रखें, लाइक बहुत ही ट्विस्ट की तरह काम करता है, होता है तो सिमली हो जाता है, हटता है तो मेटाफर हो जाता है. अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ सीरियस जोक. जिंदगी एक अजीब सा मजाक है लेकिन संजीदा भी है, तो एक गंभीर भी है और हास्य भी है. तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार. उसके बाद हम आते हैं ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी एट. बहुत ही मशहूर लाइन है विलियम शेक्सपियर की, उनका जो एक ड्रामा था इससे पहले सिलेबस में कुछ साल पहले, ओ जूलियस सीजर, उसकी एक लाइन है. तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी या संबोधन है. यहाँ पर ब्रूटस अपने दोस्त सीजर जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में कहता है, हे सीजर तुम अभी भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो वो उसे एड्रेस कर रहा है, एपोस्ट्रॉफी है, संबोधन है. नेक्स्ट है लव इज ब्लाइंड. प्यार अंधा है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है. लव को एक मनुष्य जीते जागता माना गया है, उसे अंधा बताया गया है. ये अलग बात है कि प्यार अंधा है या लोग प्यार में अंधे हैं, ये कहानी फिर कभी. ओके, आगे बढ़ेंगे. अ लाई हैज़ नो लेग्स. झूठ के पाँव नहीं होते जनाब. ये मैं भी कह रहा हूँ और ये हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच भी कह रहा है. ये है पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकृत, क्योंकि यहाँ पे लाइक को पैर दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि वो जीता जागता व्यक्ति की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है. तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा मान के ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज अ स्टेज. जिंदगी दुनिया एक स्टेज की तरह है. बहुत मशहूर शेक्सपियर की डायलॉग है इनका, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज. अगर लाइक लगा देंगे तो ये सिमली हो जाएगा, दुनिया एक रंगमंच की तरह है या दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं. ओके, याद आया आपको, बहुत ही मशहूर डायलॉग है. तो ये द वर्ल्ड इज अ स्टेज तो मेटाफर, लाइक अ स्टेज देन इट इज सिमिली. अगला है लव इज स्वीट पॉइजन. एक मुझे गाना याद आता है, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, लता जी का गाना है. तो वही है कुछ, प्यार इश्क मीठा भी है और कम वक्त जहर भी है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास अलंकार. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्नेक्स आर हिसिंग, द बीज आर बजिंग. सांप फुफकार रहे हैं, फुसकार रहे हैं और जो बीज हैं वो बजबजा रही हैं, उनका शोर हो रहा है, सनसनाहट जैसी आवाज़ करती ना बीज. तो यहाँ पर है ओनोमेटोपोइया, ध्वनिया भास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है, ध्वनि का चित्रण किया गया है. सो डियर वंस, प्लीज प्रिपेयर दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर क्लास फर्स्ट ईयर एंड ट्वेल्थ एज वेल एज अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशन. ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो